आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। थराली विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड घाट के जाखड़ी गांव के रोडा गदेरे में 2016 में आई आपदा के 5 वर्ष बाद भी सुरक्षा दीवार न बन पाने से आक्रोशित ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं का चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। 2016 में विकासखंड घाट के जाखड़ी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था। ग्राम प्रधान रोशनी देवी का कहना है कि लगातार गांव की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण शासन प्रशासन से रोडा गदेरे में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में बरसात के मौसम में गांव के सभी परिवार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से पुनः एक बार रोडा गदेरे में सुरक्षा दीवार दिए जाने की अपील करते हैं। वहीं ज्येष्ठ प्रमुख अब्बल सिंह कठैत का कहना है कि 2016 में आपदा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जाखड़ी गांव पहुंचे थे और गांव के हालात को देखते हुए उन्होंने रोडा गदेरे पर सुरक्षा दीवार की घोषणा की थी और सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 4 करोड़ का प्राकलन शासन को भेजा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि अगर जाखड़ी गांव में सुरक्षा दीवार नहीं लगाई जाती है तो गांव के लगभग 250 से अधिक परिवार 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। विकासखंड घाट के ग्राम पंचायत जाखणी के रोड़ा गदेरा में जो है सरकार द्वारा जो है 4,96,00,000 का प्राकलन जो है शासन को दिया गया, उत्तराखंड शासन को, और उसमें टीएसी के द्वारा भी अनुमोदित हो गए वो, पर लेकिन उसके बाद जो है उस जो है रोड़ा गदेरा में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए पैसा नहीं आया और हमारे ग्राम पंचायत जाखणी को जो है रोड़ा गदेरा से बहुत खतरा है। अगर वहाँ पे रोड़ा गदेरा में 4,96,00,000 का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया जाता है सिंचाई विभाग से, तो हम लोग पूरे ग्राम सभा के लोगों ने ये निर्णय ले रखा है कि हम जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्ण बहिष्कार करेंगे अपने पोलिंग बूथ जाखणी पे। जो मेरा गाँव है जाखणी, उसमें जो ये कटाव हो रहा है विगत इतने सालों से, तो इसमें अगर सुरक्षा दीवारें या चेकडैम नहीं बनी तो हमारे समस्त ग्रामवासियों की यही हुआ है कि वो हम इस पे चुनाव बहिष्कार करेंगे। लगभग आपके लगभग 200-250। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।